हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूं किशोर, आप देख रहे हो राधे बीट्स। और आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले Redmi Note 11 वर्सेस Vivo Y20। तो फ्रेंड्स, आज हम इसका कैमरा टेस्ट करने वाले, कैमरा कंपैरिजन करने वाले, इंडोर आउटडोर बहुत सारे फोटोज और वीडियोस मैंने क्लिक किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहे। तो आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पास Redmi Note 11 और Vivo Y20। तो गाइस, बात करते हैं Redmi Note 11 की। तो यहाँ पे आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, प्लस 8 मेगापिक्सल, प्लस 2 मेगापिक्सल, प्लस 2 मेगापिक्सल। और दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे Vivo Y20 की। तो यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 13 मेगापिक्सल का, प्लस 2 मेगापिक्सल, प्लस 2 मेगापिक्सल। और दोस्तों, बात करते हैं दोनों ही फोन के फ्रंट साइड की। तो यहाँ पे आपको Redmi Note 11 के अंदर 13 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और गाइस, बात करते हैं यहाँ पे Vivo Y20 की। तो यहाँ पे आपको एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो गाइस, जैसे इस दोनों फोन का आप कैमरा ओपन करते हो, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो इस सभी फीचर्स को यूज करते हुए इसे मैंने कुछ फोटोज एंड वीडियोस क्लिक किए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। तो आइए चलिए देखते हैं कुछ फोटोज एंड वीडियो सैंपल। ये जो वीडियो देख रहे हो, मैंने इसी Redmi Note 11 और इसी Vivo Y20 के फ्रंट कैमरे को यूज करते हुए क्लिक किए, यानी कि इन दोनों में से किसी एक फोन से आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हो तो इसका ऑडियो और वीडियो क्वालिटी जो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अभी जो आपने फोटोज एंड वीडियो सैंपल देखो, मैंने इसी Redmi Note 11 और इसी Vivo Y20 के फ्रंट और रियर कैमरे को यूज करते हुए क्लिक किए थे। और गाइस, आपको इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में ना जरूर से बताना। और दोस्तों, बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की। तो मुझे पर्सनली Redmi Note 11 का कैमरा क्वालिटी अच्छी लगी। और गाइस, रही बात वीडियो क्वालिटी की, तो नो डाउट Vivo डेफिनेटली Redmi Note 11 से बेटर वीडियो क्वालिटी जो इसके अंदर यानी कि कैप्चर करता है।
तो गाइज आपको इन दोनों में से किसका ऑडियो वीडियो और फोटोज़ वगैरह अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। और गाइज Redmi Note 11 के साथ दूसरा कौन सा फ़ोन में कंपैरिजन करूँ वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। तो यू पी गाइज के आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में इतने दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।